नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर आपसे इनकम टैक्स से रिलेटेड विषय पर डिस्कशन करता रहता हूं, लेकिन आज सर मैं आपसे इनकम टैक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रहा। मैं सर आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 पर। तो सर ये कोड है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016? क्योंकि इसके ऊपर सर इस समय मार्केट में बहुत काम हो रहा है, और क्यों हो रहा है सर, ये लॉजिक मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा। देखिए सर, जब मैं इंसॉल्वेंसी की बात करता हूं तो भारतवर्ष में इंसॉल्वेंसी को एक अच्छे नजर से नहीं देखा जाता कि अरे यार ये फलाना व्यक्ति अपना लोन नहीं दे पा रहा है, और मैं ये कह भी नहीं सकता कि सर इसको अच्छी दृष्टि से देखा जाए। लेकिन यदि आप इंसॉल्वेंसी टर्म किसी व्यक्ति के साथ अटैच करेंगे तो यू विल फाइंड के इसका स्टेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सही नहीं है, ये व्यक्ति अपने लोन नहीं चुका पा रहा है, तो भाई ये तो गलत बात है। बिल्कुल सर गलत बात है, यदि मैंने लोन लिया है तो मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं उसको चुकाऊं। और यदि सर मेरे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है कि मैं बैंकों का पैसा, क्रेडिटर्स का पैसा लेकर भागना चाहता हूं, तो इस तरीके की प्रैक्टिस प्रमोट भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर आप ऐसे सिनारियो को सोचिए कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, जो भारतवर्ष में होना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को मजबूरी में भी बिजनेस करना पड़ता है, या बहुत सारे लोग यंग आज की जो जनरेशन है सर वो बिजनेस की ओर बढ़ना चाहती है, परंतु उन्हें क्या चीज रोकती है। मे बी हमारे यहाँ सर्विस क्लास मेंटेलिटी ज्यादा है, तो ये भी एक तरीके का रिस्ट्रेंट है कि बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि भैया तू तो नौकरी करना, बड़े होकर के एक अफसर बनना, लेकिन बड़े होकर बिजनेस करना ऐसे कितने लोग सिखाते हैं। क्योंकि बिजनेस करने में जो सजा भुगतनी पड़ सकती है वो क्या है कि आपको बिजनेस करने में सारी पूंजी खुद की लानी है। बहुत मुश्किल है सर कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूं, अब 10 लाख लाऊं कहां से, मेरे पास तो सर 2 लाख है। अब कोई व्यक्ति मेरे को 8 लाख रुपए दे तो मैं सर वो 10 लाख का काम शुरू करूं। अब कोई व्यक्ति मेरे को 8 लाख देगा तो वो पूछेगा तो सही कि भाटिया जी कहां से चुकाओगे, तो ठीक है मैं अपना एक आइडिया उसको एक्सप्लेन करूंगा कि साहब मैं ये 2 लाख रुपए मेरे हैं, 8 लाख रुपए आपसे ले रहा हूं, अब मैं ये एक बिजनेस शुरू करूंगा और इस बिजनेस में मैं ऐसे ऐसे रिटर्न कमाऊंगा, आपको लौटा दूंगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दे मे आस्क मी कि साहब आपके पास सिक्योरिटी क्या है, मैंने बोला साहब मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं तो यंग एंटरप्रेन्योर हूं और मेरे से बिजनेस नहीं चले तो आप देख लेना। बोले भैया मेरे को बिजनेस थोड़ी चलाना है, मेरे को तो आप ये पेमेंट कर देना। तो मैं बोला साहब मेरे को मेरे बिजनेस पर कॉन्फिडेंस है, मैं इससे रिटर्न जनरेट कर लूंगा, आपको दे दूंगा। लेकिन सर यदि मैं फिर बोल रहा हूं मेरी नीयत खराब है तो बात छोड़ दीजिए, तो नीयत खराब का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी नीयत अच्छी है, मैंने आपसे समाव कन्विंस करके पैसा ले लिया, अब मैंने बिजनेस शुरू किया, कोई एक दुकान खरीदी या कोई सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी लगाई और मैंने बिजनेस शुरू किया, आफ्टर 6 मंथ और अ ईयर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन पेइंग यू योर इंटरेस्ट और पेइंग योर इंस्टॉलमेंट, तो सर क्या आप मुझे उठा करके जेल में डाल देंगे? मेरी नीयत खराब नहीं है सर, मेरा बिजनेस आइडिया फेल हो गया, मैंने आप में कॉन्फिडेंस जगाया था, मैंने उस कॉन्फिडेंस को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करी, लेकिन मेरा प्रोडक्ट मार्केट में हिट नहीं हो रहा है। अब सर यदि मैं बिजनेस से निकलना चाहता हूं और आप मेरे को पुलिस में डालना चाहते हैं, यानी आप मेरे को पकड़वाना चाहते हैं कि यार ये मेरा पैसा नहीं चुका रहा, मैं कह रहा हूं सर ये बिजनेस है संभाल लो, आप चला लो। आप इस पूरे स्टेट को समझिएगा सर कि एक व्यक्ति बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके भी दिमाग में डर है कि साहब यदि मैं बिजनेस करता हूं, जेन्युइनली करता हूं और जेन्युइनली वो फेल हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मैं उससे एग्जिट कैसे करूं। और ये बड़ी निश्चित बात है सर कि कोई भी बिजनेस हो, मैं एक प्रोफेशन को छोड़ देता हूं सर, इवन प्रोफेशन में भी ये बात कुछ हद तक लागू हो सकती है कि कोई भी बिजनेस बिना पूंजी के नहीं होगा, और पूंजी पहले ही दिन पूरी हो ये आवश्यक नहीं है, और इसीलिए लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मार्केट में अवेलेबल है कि दे आर सपोज टू लेंड एंड देन अ पर्सन हु इज अ वेंचरिस्ट विल यूज दैट बोरोड फंड्स फॉर कंडक्टिंग हिज बिजनेस। मेरे इस पूरे एग्जाम्पल का, इस पूरी थ्योरी का सर इंपैक्ट जाता है आईबीसी तक कि आईबीसी क्या अप्रोच लेकर के आ रहा है सर कि इंडिया में एज ऑफ डूइंग बिजनेस वॉज एबसेंट एंड दैट एज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड। नाउ हाउ दिस लॉ विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एज ऑफ बिजनेस, इस बात को समझिएगा। और सर हुआ है, इस लॉ के लागू होने के बाद इंडिया में एज ऑफ बिजनेस आया है। कैसे? रैंकिंग में सर सुधार हुआ, वर्ल्ड रैंकिंग इंडिया की जो एज ऑफ बिजनेस की थी उसमें ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर, आईबीसी ये कहता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016
इट इज अ लॉ नाउ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सर। और ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि यदि आप बिजनेस करते हैं और किसी वजह से आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहता है, फेल हो जाता है, तो जिसने आपको पैसा दिया है क्रेडिटर ने, उसको संपत्ति का कंट्रोल लेने दीजिए। लेट हिम टेक द कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस एंड लेट हिम डिसाइड व्हाट टू बी डन विद योर बिजनेस। सर अब तक अगर मैं एज अ कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाता तो आप मेरे पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, सरफेसी में जो संपत्तियां आपके पास है उनसे रिकवरी करने की कोशिश करते, आप मेरे बिजनेस को एज अ होल नहीं देखते कि भाई इस मॉडल में ये तकनीकी खामी है, कि इसकी टेक्निकल नॉलेज में कहीं पर कमी है, या ये इसको ये एक्सपर्ट हेल्प मिल जाती तो ये कर लेता। नाउ दिस आईबीसी इज सेइंग कि साहब अनूप भाटिया को साइड करिए, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एज अ प्रमोटर, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एज मैनेजमेंट, लेट्स प्लेस सम एक्स अदर पर्सन इन हिज प्लेस हु कैन मैनेज दिस बिजनेस वेल, और देयर मे बी अ बायर ऑफ माय आइडिया, और देयर मे बी अ बायर ऑफ माय बिजनेस हु कैन रन दिस बिजनेस बेटर। इसका फायदा क्या होगा सर, अब तक इंसॉल्वेंसी की यदि कोई स्टेट आती तो ऐसी परिस्थिति में मैं फेल हो जाता और मेरा बिजनेस ठप हो जाता और मेरे जो लेंडर्स थे वो टूट पड़ते कि साहब देखें इससे क्या रिकवर करते, मैं भी उनके साथ झगड़ा करता, कुछ समय लेता, कुछ समय क्या सर, अक्सर बहुत समय लगता है। आप यदि ऑफिशियल डेटा पे जाएंगे तो इंडिया में किसी कंपनी को क्लोज करने में लगभग 4 साल का भी समय लग जाता है, जबकि जापान में 6 मंथ्स का समय है सर, ये पब्लिश डेटा है सर। अब 4-4 साल यदि किसी कंपनी के वाइंड अप होने में लगेंगे सर, तो आप समझिए कि कंपनी के पास में जो संपत्तियां थी उनकी वैल्यू 4 साल में कितनी डेटरिएट हो जाती है, कितनी कम हो जाती है। तो सर यदि उसकी जगह पर एक स्पीडी प्रोसेस लाई जा सके, और वो स्पीडी प्रोसेस इस लॉ में है जो जनरली 180 डेज या मैक्सिमम 270 डेज जाएगी, और उसमें डिसाइड हो जाएगा कि रिजॉल्व होकर के या तो ये इंसॉल्वेंसी की स्टेट खत्म हो गई और एक बिजनेस को वापस रिवाइवल का मौका गोइंग कंसर्न रूप में मिल गया, या सर ये पोजीशन रिजॉल्व नहीं हुई और इसकी जगह कंपनी के लिक्विडेशन की प्रोसेस इनिशिएट हो गई। इससे क्या होगा सर, संपत्तियों का बेस्ट यूटिलाइजेशन सुनिश्चित किया जा सकेगा, या तो वो वापस रिवाइवल के स्टेट में काम आ जाएंगी, या संपत्तियां रिवाइवल के स्टेट में काम नहीं आई तो ऐसी परिस्थितियों में उनको बेच के जो पहले 4-6 साल में रिकवरी होती जब तक संपत्तियों की वैल्यू में गिरावट आ जाती, वो एक 6 महीने के प्रोसेस में फास्टली रिकवरी एंश्योर की जा सकती है। मेरा कहना सर अभी ये नहीं है कि संपत्तियों को बेचना है, मेरा कहना यह है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लाया गया है ये सोच समझ करके कि कहीं ना कहीं फास्ट रिड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम किया जाए और जहां तक संभव हो उस एंटिटी की गोइंग कंसर्न को सुनिश्चित किया जाए। और यदि सर एक्सट्रीम है कि गोइंग कंसर्न नहीं हो सकता तो ऐसी परिस्थिति में जितनी जल्दी हो सके वाइंडिंग अप का प्रोसेस करके संपत्तियों से जो बेस्ट रिकवरी हो वो कर ली जाए। इससे सर बैंकों का पैसा, लेंडर का पैसा भी जल्दी रिलीज होगा, और यदि वो पैसा जल्दी रिलीज होगा तो जो मार्केट में कैपिटलाइजेशन है, कैपिटल का जो अभाव है, वो भी जल्दी पूरा होगा। तो सर ये पूरे लॉ का जो प्रोसेस है वो एक स्पीडी प्रोसेस बनाना है ताकि एक बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो, लेंडर का पैसा जल्दी रिकवर हो, लेंडर खुद डिसाइड कर सके कि बिजनेस को क्या करना है, चलाना है या बंद करना है। तो सर इसी दृष्टि से आईबीसी को लाया जा रहा है। मैं सर अपने फर्स्ट पोर्शन में आईबीसी के डिस्कशन को यहां तक सीमित रखता हूं। मैं धीरे धीरे सर आपके साथ आईबीसी पर और डिस्कशन करके इसके प्रोविजंस की निटिग्रिटी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।